बहुत सी कहानियां प्रचलित है अमेरिकन चॉपसी के ओरिजिन पर, जिसके रूट्स पाए जाते हैं चाइनीज इमिग्रेंट्स में जो आए थे अमेरिका में। ये डिश में ज्यादातर है मीट्स और सब्जियां, लेकिन आज के स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं अमेरिकन चिकन चॉपसी। बनाने के लिए अमेरिकन चिकन चॉपसी हमें चाहिए उबले हुए नूडल्स, चिकन स्ट्रिप्स, चिकन स्टॉक, सॉस, कॉर्नफ्लावर, गाजर, बीन्स, हरा भाग हरे प्याज का, सफेद भाग हरे प्याज का, बीन स्प्राउट्स, लहसुन, नमक, काली मिर्च, शक्कर, सोया सॉस और थोड़ा विनेगर। तो अब मैं शुरू करूंगी तलने से ये उबले हुए नूडल्स। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये नूडल्स। तल लेंगे जब तक हो जाएं क्रिस्प और गोल्डन। इसे बैचेस में फ्राई कर सकते हैं, जो निर्भर करता है पैन की साइज पर। अब आप देख सकते हैं कि नूडल्स हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, हल्के से गोल्डन ब्राउन। अब निकाल लेंगे हम ये पहला बैच, छान लेंगे इसे टिश्यू पेपर पर। अब हम डालेंगे इसमें दूसरा बैच। अब हमने फ्राई कर लिए हैं सारे नूडल्स। अब दूसरे पैन में गरम करूंगी थोड़ा तेल। एक बार तेल गरम हो जाए, हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन, भून लूंगी इसे जब तक ये हो जाए गोल्डन ब्राउन। अब इसमें ऐड करूंगी ये हरे प्याज। तो पहले मैंने लिया है हरे प्याज के सफेद भाग को, भून लेंगे इसे एक मिनट तक। एक बार आप भून लें हरे प्याज को, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्ट्रिप्स। हम इसे चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनटों तक मध्यम आंच पर। अब ये चिकन पक चुका है, समय है ऐड करने का इसमें गाजर, हरे प्याज का हरे भाग। टॉस करेंगे इसे भी अच्छे से और इसमें ऐड करूंगी बीन्स, स्प्राउट्स, मिला लूंगी ये सब कुछ अच्छे से, भून लूंगी इसे कुछ और मिनटों के लिए और बीच में चलाते रहूंगी। एक बार आप इसे भून ले कुछ मिनटों के लिए, अब इसमें ऐड करेंगे ये चिकन स्टॉक। मिला लेंगे सब कुछ और इसमें ऐड करेंगे टमेटो सॉस। तो मैंने यहां पे लिए हैं 6 चम्मच भर के टमेटो सॉस। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस, मैं डाल रही हूं 1 चम्मच भर के सोया सॉस। ये डिश लग रही है बहुत ही कलरफुल। हम इसे अब सीजन कर लेंगे मसाले डालकर, नमक और काली मिर्च डाल के। मैं डाल रही हूं इसमें 1 चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के नमक। मिला लूंगी ये सब कुछ। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा विनेगर। इसमें मैं ले रही हूं 2 से 3 चम्मच विनेगर। मिला लूंगी ये सब कुछ। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच भर के शक्कर। मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टली 2 चम्मच भर के हैं। अब हम इसे पकने देंगे कुछ मिनटों के लिए। ये चिकन अब पक चुका है, अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर पेस्ट। इसके लिए मैं लूंगी 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर, डालूंगी थोड़ा सा पानी इसमें। अब इसको ऐड करूंगी चिकन और सब्जियों में। मिला लूंगी इसे और चलाती रहूंगी कंटिन्यूअसली, ताकि कॉर्नफ्लावर गाढ़ा होकर चिपक न जाए निचली सतह पर। इसे पकाएंगे 2-3 मिनटों तक, जब तक हो जाए गाढ़ा। तो अब जब बन चुका है ये एक सॉसी मिश्रण, गैस को हम ऑफ करेंगे और अब हम डालेंगे ये मिश्रण को क्रिस्पी नूडल्स के ऊपर।
लेंगे एक बड़ा सा चम्मच भर के मिश्रण को। तो ये अमेरिकन चिकन चॉप्सी है तैयार। तो क्या पसंद है मुझे इस डिश के बारे में? इसके क्रंची नूडल्स और खट्टा मीठा सॉस, जिससे आपको इच्छा होती है इसे और ज्यादा खाने की। अब ये डिश में मुख्य सामग्री है मीट, लेकिन आप इसे पका सकते हैं अपनी पसंद की सब्जियों के साथ।